सो गाइज इस वीडियो में मैं आपको अपने गेम प्ले का क्लोज और एक्सट्रीम क्लोज रेंज का हैंड कैम दिखाऊंगा। क्लोज रेंज के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ प्लेयर्स ने कमेंट्स किए थे कि भाई हैंड कैम के साथ बताया करो, ऐसे पता नहीं चलता है। और कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो कि बोलते हैं कि भाई मेरे पास 8GB रैम का फोन है, 12GB रैम का फोन है, बट फिर भी मेरे हेडशॉट्स नहीं लगते हैं। उनका कहना होता है कि हमारी गन्स काफी ज्यादा रिकॉइल करती हैं, जिससे कि एम एनिमी के हेड के ऊपर चला जाता है, तो हमारे फोन के लिए कोई बेस्ट सेटिंग बताओ। मेरे पास 6GB रैम का फोन है, 3 साल पुराना, और मैं एक पूरा 100% फेयर प्लेयर हूँ। मैं कुछ भी चीज यूज नहीं करता हूँ और मेरे एक्सट्रीम क्लोज रेंज में भी अच्छे खासे हेडशॉट्स लगते हैं और मेरा फोन लैग भी करता है। और मैं गेम खेलते टाइम गेम प्ले को रिकॉर्ड करने के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करके खेलता हूँ और फोन का स्टोरेज भी ऑलमोस्ट फुल ही रहता है, क्योंकि मैंने काफी सारी क्लिप्स रिकॉर्ड करके रखी होती है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिस भी बंदे को अच्छा खेलने आता होगा वो अच्छा खेलेगा। अगर आपके पास 8GB रैम का फोन है, 12GB रैम का फोन है और फिर भी आपके हेडशॉट्स नहीं लगते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको खेलने नहीं आता। अगर आपको ये मेरी बात बुरी लगे तो लगे, क्योंकि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह घुमा फिरा के बातें नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूँ। तो अभी मैं आपको अपना हैंड कैम दिखाता हूँ, जिसमें कि क्लोज रेंज, एक्सट्रीम क्लोज रेंज और थोड़ा मिड रेंज की क्लिप्स भी होंगी। हैंड कैम वाली क्लिप्स को आप थोड़ा अच्छे से देख लेना और खास करके आप मैं किस तरीके से ड्रैग करता हूँ इस चीज को थोड़ा अच्छे से देखना, क्योंकि मेरे इस लेवल के हेडशॉट्स लगने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वो है ड्रैग करने का तरीका। तो सबसे पहला क्लिप है ये वाला, इसमें मैंने छोटी सी जगह के अंदर क्लोज ही रेंज है ये एक हिसाब से, और इसमें मैंने हेडशॉट मारा। अभी आप इस क्लिप का हैंड कैम देखो, हैंड कैम की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी आपको दिख रहा है। आप सिर्फ ये देखो कि मैंने ड्रैग किस तरीके से किया, क्योंकि इस की सबसे बड़ी चीज यही है, जिसको ड्रैग करने आ गया उसको हेडशॉट मारने आ गया। इस क्लिप के अंदर मैंने काफी ज्यादा तगड़ा वाला ओपी लेवल का हेडशॉट मारा है, जो कि हमें मोंटाज वीडियोस में देखने को मिलते हैं। तो अभी आप इसका हैंड कैम देखो कि मैंने किस तरीके से मारा। आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल एक फेयर प्लेयर हूं और मेरे इस लेवल के हेडशॉट्स लगते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके भी लग सकते हैं। और इस क्लिप के अंदर देखना, इसमें मैंने काफी ज्यादा फास्ट और क्लोज रेंज में वन टाइम मारा है, कि देखो इस लेवल का। किसी भी रेंज के अंदर क्लोज रेंज या फिर एक्सट्रीम क्लोज रेंज में हेडशॉट मारने के लिए जो ड्रैग होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ड्रैग के अलावा हेडशॉट मारने के लिए और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि जिस बंदे को इस गेम के अंदर ड्रैग किस तरीके से करते हैं ये पता लग गया, उसको हेडशॉट कैसे मारना है ये पता लग गया। इस क्लिप के अंदर भी मैंने बहुत ही ज्यादा बढ़िया हेडशॉट मारा है, ऐसे हेडशॉट्स आपने यूट्यूब पे देखे होंगे वीडियोस में, और ऐसे हेडशॉट्स मारते हैं बंदे डीपीए का यूज करके, और मैं बिना डीपीए के एक नॉर्मल से फोन के अंदर ऐसे हेडशॉट्स मारता हूं। और मैं प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा कम करता हूं। इस क्लिप के अंदर भी देख लो कि कितना ज्यादा क्लोज में मैंने वन टाइम मारा है। ऐसे वन टाइम मारने के लिए डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बट मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं। ये जो आप कस्टम का गेम प्ले देख रहे हो, ये कस्टम मैंने कोई 10 दिन के बाद खेला था, और ये सारी क्लिप्स एक ही कस्टम की है। 1-7 स्कोर है, बट आप स्कोर को मत देखो, क्योंकि हर राउंड में मैंने भी हेडशॉट मारा है। और इस क्लिप के अंदर देखो कि कितना ज्यादा गजब का हेडशॉट लगा। प्लेयर्स कहते हैं कि भाई बेस्ट एम प्लेसमेंट के बारे में बताओ, हम अपने एम को कहां पे सेट करें जिससे कि हेडशॉट लग जाए। तो देखो इस क्लिप को देखो, यहां पे मेरा एम कहां पे था, मैंने हेडशॉट मार दिया। और रही बात ड्रैग टेक्निक की, जैसे कि रोटेशन ड्रैग, स्ट्रेट ड्रैग, तो ये सब ड्रैग कैसे करते हैं ये सीखने की टेक्निक्स है। अगर आपको ड्रैग करना सीखना है तो आप सबसे पहले स्ट्रेट ड्रैग को सीखो, उसके बाद आप रोटेशन ड्रैग को सीखो, इसके बाद आता है डाउन अप ड्रैग, और डाउन अप ड्रैग के बाद आता है मिक्स ड्रैग। इन सब के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, बट वो वीडियो मैंने थोड़ी पहले बनाई थी और उनके ऊपर व्यूज भी काफी ज्यादा कम है। जब आप मिक्स ड्रैग करना सीख जाते हो, मिक्स ड्रैग का मतलब है कि स्ट्रेट ड्रैग और रोटेशन ड्रैग को मिक्स कर दिया, रोटेशन ड्रैग और डाउन अप ड्रैग को मिक्स कर दिया, ऐसे 2-3 ड्रैग को मिक्स करके एक नया ड्रैग बना दिया। क्योंकि गेम के अंदर क्या होता है कि आपको एनिमी के हेड की साइड को ड्रैग करना होता है, जिस साइड एनिमी का हेड जाएगा आपको उसी साइड को ड्रैग करना, और ये काम करने के लिए आपको पहले ड्रैग करना आना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो आपका यही है, अगर आपको इस लेवल के हेडशॉट्स मारने हैं और बिना किसी ट्रिक का यूज किए हेडशॉट्स मारने हैं, तो आपको ड्रैग करना सीखना पड़ेगा। और ड्रैग कैसे करते हैं ये सीखने में आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा, आपको 1 साल भी लग सकता है, पर जब आप ये सीख जाओगे कि ड्रैग किस तरीके से करते हैं, उसके बाद आपके हेडशॉट्स परमानेंट लगेंगे। चाहे कोई भी अपडेट आ जाए या फिर गेम का सेंसिटिविटी चेंज हो जाए, जब आप हेडशॉट मारना सीख जाओगे आप किसी भी फोन के अंदर किसी भी अपडेट में हेडशॉट्स मार सकते हो। और जो प्लेयर्स अभी भी सेंसिटिविटी में फंसे हैं, जिनको ये नहीं पता कि रेड डॉट का सेंसिटिविटी किस चीज का होता है, और जो प्लेयर्स फायर बटन के साइज और पोजीशन के बारे में पूछते रहते हैं, उन सब का कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। तो ड्रैग के ऊपर मैंने काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं, कुछ वीडियोस को मैं एंड स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा और कुछ वीडियो का मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उन वीडियोस को चेक कर लेना। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो टाटा बाय बाय गाइज़।